हेलो एवरीवन, वेलकम टू जिंगिंग लाइफ। अक्सर हमारे घरों में चपाती बच ही जाती है, कितना भी ध्यान से बनाए पर एक्स्ट्रा चपाती बन ही जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि हस्बैंड ने बाहर होटल में खाना खा लिया तो भी चपाती इकट्ठी हो जाती है, और वही चपाती अगर हम लंच और डिनर में सर्व कर दें तो घर में बहुत बड़ा बवाल आ जाता है। तो आज इन्हीं चपाती से हम बनाने जा रहे हैं थिन क्रस्ट पिज्जा, बिल्कुल मार्केट के जैसा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं थिन क्रस्ट पिज्जा। ये मेरे पास रात की बची हुई कुछ चपाती है, इनमें से एक चपाती हम ले लेंगे और एक पैन को गैस पर गरम करने के लिए रख देंगे, और उसमें डाल दूंगी मैं थोड़ा सा बटर, और उस बटर को मैं ब्रश से अच्छे से पैन में ग्रीस कर दूंगी, यानी पैन को ग्रीस कर लेंगे और उस बटर पर हम ये रोटी डाल देंगे। और इस रोटी को हमें इस पे हल्का सा सेकना है, ज़्यादा नहीं पकाना है हमको, इसको सेकना नहीं है, बस हल्का सा, बस बटर इस पे लग जाए अच्छे से और हल्का सा ये सेक जाए, बस इतना ही हमें इसे सेकना होता है। अब इस रोटी को मैं एक अलग प्लेट में निकाल लूँगी और इस पर हम लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस। ये होममेड पिज़्ज़ा सॉस है मेरे, जिनकी रेसिपी का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये पिज़्ज़ा सॉस के बिना पिज़्ज़ा हमारा अधूरा है। बच्चों को ये सॉसेस खाने जो हैं बहुत अच्छे लगते हैं, तो अच्छे से इस रोटी पर हम ये पिज़्ज़ा सॉस है लगा देंगे, सब तरफ अच्छे से फैलाना है हमें इसे। और इसके बाद मैं इस पे रख दूंगी वेजिटेबल्स जो मैंने कट करके रखी है, ये छोटे प्याज जो है, प्याज वो लगा दूंगी मैं। हम चाहें जिस शेप में वेजिटेबल्स को काट सकते हैं, लंबे छोटा। एक्चुअली बच्चों के लिए बना रही हूँ तो बच्चे जो हैं वो छोटे छोटे पीसेस ही खाना पसंद करते हैं, तो मैं इस तरह से इनको छोटा ही मैंने कट किया है। और आपके पास जितनी भी वेजिटेबल्स हो आप वो सारी वेजिटेबल्स इस पे जो आपका मन हो वो लगा सकते हो, जो आपके घर में अवेलेबल हो वो आप लगा सकते हो। कलरफुल वेजिटेबल्स लगाने से, जैसे कि देखिए इसमें कलर आ गया है, रेड, ग्रीन, ये वाइट, और जब मैं इस पे ये कॉर्न्स डाल दूंगी तो इसका कलर्स येलो हो जाएगा। तो बच्चों को कलरफुल चीज़ें अच्छी लगती है, इसलिए मैं सारे कलर्स जो है इसमें, जो मेरे पास अवेलेबल है, वो मैं इसमें लगा दूंगी। अब जो है ये पिज़्ज़ा बिना चीज़ के अधूरा है, तो मैं इस पे बहुत सारा चीज़ जो है ग्रेट कर दूंगी। पिज़्ज़ा में चीज़ खाना बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, वो पीज़ जब मेल्ट होता है ऊपर अच्छे से तो वो चीज़ बच्चों को अच्छी लगती है, तो अच्छे से बहुत सारा पी मेल्ट कर देंगे इस पे। अब एक बयन में फिर से बटर डालेंगे और उस बटर को हम उस पैन में अच्छे से फैला देंगे। और ये जो रोटी हमने बनाई है अभी, वो इस पे रख देंगे और इस पर हम मिक्स हर्ब जो है वो स्प्रिंकल कर देंगे। मिक्स हर्ब कर दो, आप चिलीज खाते हैं बच्चे तो आप वो भी कर सकते हो, चिली फ्लेक्स इस पे डाल सकते हो। अब हम इसको 2 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर पका लेंगे। इसको पकते 2 मिनट हो चुके हैं। वाओ, यम्मी पिज़्ज़ा बन के रेडी हो गया। देखिए इसका कितना सुंदर लग रहा है पिज़्ज़ा, और चीज़ अच्छे से हमारा मेल्ट हो चुका है। तो अब हम इस पिज़्ज़ा को एक प्लेट में अलग से निकाल लेंगे। कितना यम्मी लग रहा है ना हमारा पिज़्ज़ा, एकदम रियल पिज़्ज़ा। कौन कह सकता है पिज़्ज़ा रोटी से बना हुआ है। अब इस पिज़्ज़ा को मैं कटर से कट कर देती हूँ, तो आप भी इस तरह से घर पे रोटी का पिज़्ज़ा ट्राई कर सकते हैं। देखिए एकदम क्रिस्पी पिज़्ज़ा लग रहा है, एकदम क्रिस्पी है, और बच्चों को पता भी नहीं चलेगा कि ये रोटी खा रहे हैं। तो क्रिस्पी पिज़्ज़ा हमारा बन करके एकदम रेडी हो गया है, ये देखिए एकदम क्रिस्पी। तो कैसा लगा आप सबको मेरा थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा, वो भी फुली लोडेड चीज़? तो देखा किस तरह से हमने फटाफट से
बची हुई चपातियों से ये पिज्जा बना लिया। तो अगर आपको भी ये पिज्जा बनाना है तो जल्दी से अपने किचन में जाइए और पिज्जा बनाइए। और हाँ, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपका पिज्जा कैसा बना। और जाने से पहले मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।